कई बच्चे अभी से गिव अप करने लगे, अरे इस एटीट्यूड से कब जीतेगा तू, अरे आगे भी मुश्किलें आएंगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा क्या करता है कि सर अब तो नहीं हो पाएगा मेरा, अब मैं क्या करता हूँ ना कि अगले साल की तैयारी मतलब करूंगा, अब अगले साल तैयारी पहले ही मन बना लिया तो भाई ऊपर वाला भी तो, इसको आप आगे कर देते। और नहीं एक बात बता, और तुम्हारे अकॉर्डिंग अगले साल सब कुछ हो जाएगा क्या, हर कंडीशन तुम्हारे फेवर में जाएगा, वहां भी तो कुछ अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो सकते हैं। फेवर में जाने से सक्सेस मिलती नहीं है, अपने कंफर्ट जोन में जाने से सक्सेस नहीं मिलती है। अभी लास्ट तक लड़ो और उसमें जो तुम्हारी लर्निंग होगी ना, तुम सेलेक्ट हो ना हो, और वही लर्निंग तुम्हारी काम आएगी, देख लेना। तो जितने भी बच्चे हैं चाहे तुमने अभी तक टेस्ट दिया है नहीं दिया है, और अब रिवीजन हुआ है नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, हार मत मानो, लड़ो। एक वीर का यही पहचान होता है कि लड़ता है वो, और यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन हो ना हो, जो लर्निंग होगी ना अभी भी 4-5 दिन में 6 दिन में, वो तुम्हें आगे बहुत काम आएगा, कॉलेज में जाओगे तो भी, और शायद अगर तैयारी करते हो आगे कुछ भी करते हो तो काम जरूर आएगा। मान लो तुम आगे आईएएस की तैयारी करते हो, डॉक्टर नहीं बनना, भगवान ने सोचा इसको आईएएस बनाना है मुझे, तो वहां भी तो दिन रात मेहनत लगता है, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने का एटीट्यूड चाहिए, कम टाइम में सारी चीज मैनेज करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सीखोगे वो कभी खत्म नहीं होता। नीट जेई की जो तैयारी होती है ना, वो सिर्फ ये नहीं होती कि हाँ रगड़ना सीख जाते हैं, हमने भी सीखी थी उस समय भी मेहनत करना, और तुम भी सीखोगे। नीट जेई की तैयारी अपने आप में जो बच्चे कर रहे हैं ना वो खुद ही बता देंगे, तुम ही खुद ही बताओ, नहीं नहीं तुम खुद फैसला करो, तुम खुद बताओ कि तुम एक साल पहले क्या थे, है ना, एकदम चोमू, कमजोर, लाचार, बेबस, और आज क्या हो, लड़ने की क्षमता ही की नहीं है, मेहनत करना सीखे कि नहीं सीखे। भाई ये कम बड़ी बात है क्या, सब नहीं सीख पाते, ये भी तो बहुत बड़ी बात है, आगे सब अच्छा होगा, लड़ना सीख गए ना। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।